तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक बहुत ही जीनियस लड़की की है जिसका नाम लिन होता है। वो अपने फादर के साथ रहती थी और उसके फादर उसकी इंटेलिजेंस को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। वो चाहते थे कि मेरी बेटी एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल में पढ़े और वो उसे लेकर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कूल में जाते हैं। अब वहाँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा स्कूल होता है, तो वहाँ की प्रिंसिपल उनको देखकर कहते हैं कि क्या आप अपनी बेटी को यहाँ पढ़ाएंगे तो यहाँ की फ़ीस को अफोर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिन प्रिंसिपल से बात करने लगती है और वो अपनी बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर लेती है। अब प्रिंसिपल कहती हैं कि आपकी बेटी को हमारे स्कूल में पढ़ाना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शान की बात होगी, और वो उनका एडमिशन कर देती है क्योंकि बहुत से बच्चे पहले भी उनके यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे होते हैं। अब लिन अब जब स्कूल जाती है तो वहाँ उसकी बहुत ही जल्दी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में हेल्प किया करती थी। अब एग्ज़ाम का दिन आता है, अब जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो लड़की भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन लिन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लिए थे उस लड़की से भी, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा जीनियस थी। तो ये देखकर वो और उसकी दोस्त एक पार्टी में जाते हैं। अब उस पार्टी में जाकर बातों बातों में लिन को पता चलता है कि वो बेशक उस स्कूल में स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हो, लेकिन फिर भी उसके फादर ने काफ़ी ज़्यादा फंड पे किया है। तो अब जब वो घर जाती है, घर जाकर देखती है तो उसे उसके हाथ में एक रसीद लगती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि हाँ, मेरे फादर ने तो 2 लाख रुपए पे किए हैं। अब वो अपने फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि डैडी, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, आपने इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया। तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता थी, तुम्हारे फ्यूचर से ज़्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अब उसकी मदर का बर्थडे होता है तो वो उनको याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और वो पियानो बजाने लगती है। और पियानो बजाते हुए उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने क्लासमेट्स की मदद करूं, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। तो वो उनको अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम बस मेरे इन इशारों को समझना। तो जब वो पियानो बजाती है तो तभी बता देती है कि इस तरीके से ऑप्शन ए होगा, इस तरीके से उंगली करूंगी तो ऑप्शन बी सी डी ये सब होगा, तो तुम इन सबको याद कर लो। अब वो सभी स्टूडेंट उस चीज़ को याद कर ले। जब एग्ज़ाम होता है तो उसकी क्लास ने लिन की मदद से, जो उसने अपने ऑप्शन बताए थे फिंगर के, उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा टॉप किया होता है। लेकिन लिन इनमें सबसे ज़्यादा टॉप करती है बाकी बच्चों से। और सेकंड नंबर पर एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है बैंक। और ये देखकर वहाँ की जो प्रिंसिपल होती हैं वो उसे बुलाती हैं अपने पास और वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। और वो उसे और बैंक को अपने सामने बिठाकर कहती हैं कि तुम दोनों ने हमारे स्कूल का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन किया है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तुम सिंगापुर में जाकर स्कॉलरशिप पे फ्री में पढ़ सकते हो, लेकिन तुम में से कोई एक ही जा सकता है, तो अब तुम दोनों ये मिलकर डिसाइड कर लो कि तुम में से वहाँ पर कौन जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बैंक को। बैंक और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है। बैंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करता था अपनी फैमिली को हैप्पी करने के लिए। अब क्योंकि बैंक की पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी कोई गलत काम नहीं करता है। अब बैंक के पास में एक लड़का आता है और वो उससे उसकी बुक मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे नोट्स बनाते हो। तो यहाँ पर बैंक जो है वो कहता है कि नहीं, इस समय मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पढ़ना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इस पर वो लड़का कहता है कि तुमसे अच्छी तो लिन है जो हमारी इतनी मदद करती है, और उसने इनफैक्ट हमारी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में भी मदद की हुई है। तो उसे ऐसा कहना तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी फ्लो में कह जाता है। ये सब कुछ सुनकर बैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो लड़का यहाँ पर गलती से उसे सब कुछ बता देता है। अब एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। अब क्योंकि बैंक लिन के बारे में कुछ मालूम पड़ गया था तो वो उसे नोटिस करता है। अब सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर जो है बांट दिए जाते हैं। अब उनमें से कुछ सेट 1 होते हैं, कुछ सेट 2 होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि लिन के पास जो था वो सेट 1 था और वो इसे अपने इशारे से बता देती है। अब वो सेट 1 वालों की ही मदद कर सकती थी, और जो सेट 2 वाले हैं अब उनका तो बस लगभग फेल होना तय ही होता है। अब वो सेट 1 वाले बच्चों की मदद करना शुरू करती है। तो बैंक जो है ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और वो तुरंत उठकर जाता है सुपरवाइज़र के पास और उससे कहता है कि यहाँ पर चीटिंग हो रही है। तो सुपरवाइज़र कहता है कि ठीक है, मैं देख लूँगा, तुम जाकर बैठो। और उसके बाद वो लोग
एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं। अब प्रिंसिपल जो होती है वो लिन को अपने ऑफिस में बुलाती है। जब लिन वहाँ जाती है तो पहले से ही बैंक वहाँ बैठा होता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि मेरी कंप्लेन पहले ही कर दी गई है। अब जो है प्रिंसिपल कहती हैं कि क्या हमने तुम्हें इसीलिए अपने स्कूल में पढ़ने दिया था कि तुम कब से ये सब कुछ कर रही हो। तो वो उसके फादर को भी कॉल करते हैं। जब उसके फादर आते हैं तो वो उनको भी काफ़ी कुछ सुनाने लगती हैं। इस पर लिन को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, मेरे फादर को कुछ मत कहिए। ये देखकर प्रिंसिपल जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि लिन इतनी बदतमीजी कर रही है। तो वो उसके अपने स्कूल से तो नहीं निकालती है, लेकिन जो मौका सिंगापुर में जाकर फ्री में पढ़ने का होता है वो मौका वो गंवा देती है। तो अब जो है वो कहती हैं तुम हमारे यहाँ सिर्फ एक शर्त पे पढ़ सकती हो, तुम यहाँ पढ़ोगी लेकिन तुम्हें कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी। लिन कहती है ठीक है और वो अब घर आ जाती है। अब घर पर आने के बाद में उसे उसके फादर से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। तभी उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है जो उसे एक होटल में बुलाती है और वो उससे कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है और हम एक एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब उस लड़के के फादर लिन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ये एग्ज़ाम दे और बिना तुम्हारी हेल्प के यानी कि चीटिंग के मेरा बेटा और ये लड़की पास नहीं हो सकते हैं। तो लिन सोचती है कि मैं पहले ही अपनी बहुत इंसल्ट करवा चुकी हूँ इस चीटिंग के चक्कर में, मैं अब ऐसा कुछ भी और नहीं करूँगी। और इस काम के लिए उसके फादर उसे 6 लाख रुपए ऑफर करते हैं। तो लिन जो है वहाँ पर मना करके बाहर आती है। बाहर आ रही होती है तो उसे वो वहाँ पर होटल में लगी हुई सारी वॉल क्लॉक को देखती है। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये जो एग्ज़ाम होगा पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम पर होगा और एक ही जैसे सबके क्वेश्चन पेपर होंगे, तो मेरे पास जो आइडिया है मैं इसके ज़रिए से उन दोनों की मदद कर सकती हूँ। क्योंकि हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग होता है, तो मैं यहाँ पर जो जिस कंट्री में सबसे पहले एग्ज़ाम होगा मैं वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ से सारे क्वेश्चन के आंसर्स को याद करके यहाँ पर आकर मैं इन दोनों को मैसेज कर दूँगी। लेकिन मुझे इसमें बीच में बैंक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वो ये सब कुछ उन दोनों बच्चों से कहती है। अब वो उन्हें बताती है कि मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी इसके लिए और वहाँ पर जाकर वहाँ के सारे क्वेश्चंस के आंसर को मैं याद कर लूँगी, यहाँ पर आने के बाद तुम्हें बता दूंगी। तो तुम यहाँ का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने से पहले अच्छे से उसकी तैयारी कर लेना। अब लिन का ये प्लान सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि बैंक जो होता है वहाँ पर उसकी गली के कुछ लड़के उसको मारते हैं और मारकर इधर उधर फेंक जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एग्ज़ाम जो होने वाला था उसमें कैसे चीटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा दूसरे बच्चों को भी मिले, इसके बारे में वो लोग सोच रहे होते हैं। अब जिन जिन बच्चों को ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना था वो उनसे कॉन्टैक्ट करना शुरू करते हैं। वो एक ग्रुप बनाते हैं, जिन भी बच्चों को इसकी ज़रूरत है इसमें चीटिंग की उन्हें कुछ पैसे देने होंगे जिसके बदले में उन्हें हेल्प मिल जाएगी। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम था और ये पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, तो उसके सामने ये पैसे तो कुछ भी नहीं थे। अब बाकी बच्चे जिनको ये एग्ज़ाम देना था वो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। अब वो लड़का जिसे ये एग्ज़ाम देना था, जिसे हमने शुरू में देखा था उसके फादर के साथ जो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, वो बाकी सभी को ये बताना शुरू करता है कि देखो हम सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में 4 चीज़ों को लेकर जा सकते हैं, हमारी पेंसिल, इरेजर, हमारा पासपोर्ट और हमारा क्वेश्चन पेपर। अब सवाल उठता है कि हम यहाँ पे चीटिंग करेंगे कैसे। अब बैंक और लिन तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे इसके लिए और वहाँ से इनके आंसर्स को याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, लेकिन वो सभी इतने सारे बच्चों को ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेंसिल में जो बारकोड होता है हम उसकी हेल्प लेंगे और उसे वो प्रिंट आउट करा लेंगे, जिससे कि जिसमें सबसे ज़्यादा मोटी लाइन होती है वो ऑप्शन ए होगा और उससे जो थोड़ी मोटी होगी वो बी होगा, फिर उससे पतली और सबसे पतली सी और डी ऑप्शन होंगे। और अब इन आंसर्स को हम इस बारकोड को पेंसिल्स पे प्रिंट आउट करवा लेंगे। अब जो हमें लिन ने इंस्ट्रक्ट किया था उसके अनुसार हम फर्स्ट ब्रेक में अपने पहले प्लान को जो है पूरा करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 3 ब्रेक होते हैं, पहले ब्रेक में हम इसे कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर वॉशरूम में जाकर अपनी दोस्त और उसके दोस्तों को आंसर्स को फॉरवर्ड कर दूंगी। अब बैंक और लिन दोनों पहले 2 ब्रेक्स में जाकर ऐसा ही करते हैं, लेकिन तीसरे ब्रेक में
वॉशरूम में बैंक को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तभी सुपरवाइजर अचानक से आकर वहां दरवाजा ओपन कर देता है, क्योंकि उसे शक था कि बैंक बार बार वॉशरूम जा रहा था। और उसी दौरान सेलफोन बैंक के हाथ से छूटकर गिर जाता है और वो पकड़ लिया जाता है। और दूसरी तरफ लिन भी वॉशरूम में पास, क्योंकि वहां और भी ज्यादा दूसरी स्टूडेंट होती हैं। अब वापस एग्जाम हॉल में आकर लिन काफी ज्यादा परेशान होती है और वहां पर बैंक भी नहीं होता है। इसका मतलब कि कुछ गलत हो गया है। और अब तीसरा सेक्शन शुरू होता है, लेकिन लिन को यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर बाकी के आंसर्स को कैसे फॉरवर्ड करेगी। तो तभी वो उनको याद करके और वहां पर उस पेपर पे वॉमिटिंग करती है। और ये तो लिन का प्लान होता है, वो वहां से वॉशरूम चली जाती है ये कहते हुए कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ये तो सिर्फ उसका एक बहाना होता है। तभी एक ऑस्ट्रेलियन सुपरवाइजर इनके पीछे आता है, और क्योंकि वहाँ के रूल जो होते हैं उस कंट्री के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और ये लोग ऑस्ट्रेलिया में ही एग्जाम दे रहे होते हैं। वो लिन से कहता है कि तुम्हें वापस आकर अपना एग्जाम देना ही होगा। तो इस पे लिन कहती है मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो सुपरवाइजर उसे जबरदस्ती टेस्ट करवाने के लिए ले जाता है। लिन जो होती है वो अपना फोन किसी और के बैग में डाल देती है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि उसने पहले ही सारे आंसर्स को याद कर लिया और वो उनको टेक्स्ट भी कर चुकी होती है। अब वो नोटिस करती है कि बैंक वहाँ पे बैठा हुआ होता है, और वहाँ का जो स्टाफ होता है वो ये जान जाता है कि लिन और बैंक एक ही जगह और एक ही स्कूल से हैं। तो अब स्टाफ को इनका शक होता है, तो वो इन दोनों को बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं। अब क्यों यहाँ पर बैंक जो होता है वो बताता है कि ये सब कुछ उसने अकेले ही किया है, लिन का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। अब लिन वापस थाईलैंड आ जाती है। अब उसके फ्रेंड्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन लिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने फादर के गले लगकर वो बहुत ही ज़्यादा रोती है जब वो उनसे मिलती है, क्योंकि उसे यहाँ पर बैंक की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही होती है। अब काफ़ी दिन बाद वो बैंक के घर जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ पर एक स्पोर्ट्स बाइक खड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अब वो वहाँ पर बैंक को भी देखती है, जो उससे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया था, कोई इतनी बड़ी बात भी तो थी नहीं, और ये सब कुछ मैंने उन्हीं पैसों से खरीदा है जो मुझे उस काम के लिए मिले थे। अब बैंक यहाँ पे लिन को एक नोटिस दिखाते हुए कहता है कि एक और इंटरनेशनल एग्जाम आ रहा है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल। तो इस पर लिन कहती है कि नहीं बैंक, हमने इससे बहुत ज़्यादा पैसे पहले ही कमा लिए हैं और अब हमें ये काम नहीं करना है। जब लिन बैंक को मना कर रही होती है, उसे समझा रही होती है, तो वो उसे ब्लैकमेल करता है, कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको ये बता दूंगा कि तुमने चीटिंग की है इस एग्ज़ाम में और तुम एक चीटर हो और तुम भी मेरे साथ मिली हुई थी। लेकिन वो फिर भी उसकी बातों से बिल्कुल भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती और वो उसे वहाँ से मना करके चली जाती है। और फिर हम मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि लिन एक ऑफिसर के सामने बैठी होती है और वो उसको बताती है कि कैसे उसने इस एग्ज़ाम में, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में चीटिंग करवाई है बच्चों को, और कैसे कैसे और कब कब उसने क्या क्या किया है। ये सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करती है ऑफिसर के सामने और अपनी गलती मान लेती है। इसका मतलब ये था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी थी। तो यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ इसे, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।